शाहरुख खान के साथ उनकी मैनेजर हमेशा रहती हैं, उनका काम देखती हैं और उसके लिए पूजा हर महीने शाहरुख खान से मोटी फीस यानी कि सैलरी लेती है और ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए फिर आपको बताते हैं कि शाहरुख के काम को हैंडल करने के लिए पूजा कितना फीस चार्ज करती है। दरअसल शाहरुख खान एक बड़े सुपरस्टार है, ऐसे में सुपरस्टार खुद को मैनेज नहीं करते। शाहरुख के हर परफेक्ट मूव के लिए भी एक मैनेजर है जो उन्हें मैनेज करती है, पूजा ददलानी। पूजा शाहरुख खान के साथ 10 सालों से काम कर रही है। पूजा शाहरुख के प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल चीजों को लेकर मैनेज करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सैलरी के तौर पर इन्हें हर साल 7 से 9 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो पूजा को हर महीने शाहरुख खान से करीब 66 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं। इसी के साथ शाहरुख खान की तमाम प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने वाली पूजा ददलानी की नेटवर्थ कितनी है ये भी जान लेते हैं। 2021 की मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पूजा ददलानी की नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए है, जो पिछले 1.5-2 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। पूजा बांद्रा में एक आलीशान घर में अपने पति और बेटी के साथ रहती हैं, जिसकी डिजाइनिंग खुद शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने ही की है। ये सेलिब्रिटी मैनेजर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एक मर्सिडीज की भी मालकिन है। अब ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी जबरदस्त सैलरी पाने के लिए पूजा ददलानी काम क्या करती है, तो आपको बता दें कि ये सेलिब्रिटी मैनेजर शाहरुख खान के साथ 2012 से काम कर रही हैं और उनके कई पर्सनल मीटिंग्स और निजी कामों के साथ वो उनकी शूटिंग शेड्यूल्स, उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के काम भी मैनेज करती हैं। पूजा ददलानी शाहरुख खान और उनके पूरे परिवार के बेहद करीब हैं। लिहाजा अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ाई करके ही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, तो आपको बता दें कि पूजा सिर्फ ग्रेजुएट है और उन्होंने मास मीडिया की पढ़ाई की है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।